इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 40 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ साथ कांगड़ा जिले में 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा संक्रमण का कहर कांगड़ा जिले में है। राज्य में 2,751 नए मामले पॉजिटिव आए हैं। इनमें से कांगड़ा में सबसे ज्यादा 650 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं आपको बता दें कि सोलन में 407, मंडी में 350 केस पॉजिटिव आए हैं, बिलासपुर में 303 और ऊना में 296 मामले पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जारी है और तेजी के साथ कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 2000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा मौत 15 लोगों की, और कांगड़ा से ही सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कांगड़ा से बीते 24 घंटों में 650 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि सोलन की अगर बात करें तो 407, मंडी में 350 केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर भी कोरोना से जुड़ी हुई। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि हर दिन ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब एक्टिव केसेस की संख्या 32,000 को पार कर चुकी है। सटीक आंकड़ों की अगर बात करें तो 32,469 केस पॉजिटिव, 1,872 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। अब तक 1,31,423 केसेस पॉजिटिव। तो कोरोना वायरस का कहर जारी है और इसी बीच हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है ग्राउंड पर। शिमला से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुल्लू से हमारे साथ मनमिंदर अरोड़ा जुड़े हुए हैं। विकास, आज से नई पाबंदियां लागू हो चुकी है और इसी के साथ साथ संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। शिमला में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल, 7 तारीख सुबह 6 बजे से जो पाबंदियां लागू की गई थी, किया गया और कड़ाई से पालन के आदेश जो है वो राज्य सरकार और पुलिस विभाग द्वारा दिए गए। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शिमला में हमने देखा आज हालात 7 तारीख की अगर अपेक्षा बात करें तो आज बिल्कुल अलग थे। आज सड़कों पर बहुत काम भी लोग थे। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का जो समय है वो बहुत से जिलों में दिया गया है। बहुत से जिलों में टाइमिंग जो है उसको लेकर अलग अलग समय जो है वो लोगों के लिए राहत थोड़ी दी गई है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए राहत है कि आप अब बाजार जाइए और जरूरत का सामान खरीदिए और फिर वापस अपने घर जाइए। तमाम चीजों को लेकर जनता भी जागरूक दिख रही है। आज बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आई। ग्राउंड अगर रियलिटी की अगर बात करें, जिस तरह से हमने देखा तो पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है वो पैनी नजर बनाए हुए है। और ऐसे में आने जाने वाले व्यक्तियों से ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, अगर कोई गाड़ी से जा रहा है, क्योंकि अब आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जो सार्वजनिक परिवहन सेवाएं हैं पूरी तरह से बंद कर दी गई। कोई बसेस नहीं चलेंगी, टैक्सीज नहीं चलेंगी। अगर टैक्सीज चलेंगी तो आपको कोई रीजन उसके पीछे बताना पड़ेगा, यानी कि इमरजेंसी सेवाओं को कभी बंद नहीं किया जा सकता। इस तरह के आदेश जो है वो राज्य सरकार ने दिए हैं जिला प्रशासन को। अब जिला प्रशासन को तय करना है कि किस तरह से आगे चलना है, लोगों को राहत कहाँ दी जा सकती है। 3 घंटे की राहत जो बात की गई है कि 24 घंटे के अंदर 3 घंटे जो है वो आपको दुकानों को खुली रखने का समय दिया गया है, वो जिला प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर तय करेंगे कि 3 घंटे का समय कम है। हालांकि पिछले कल जो है इस बाबत एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन पूरी तरह से आवाजाही लोग ना करें इस तरह की हिदायत जो है वो लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इस तरह के जो इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, पाबंदियां जो है वो कड़ी की जा रही है। और जो पुलिस है, पुलिस को खास आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता कोई व्यक्ति अगर पाया जाए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो। जी विकास, तो पुलिस अलर्ट है और इसी के साथ साथ लोगों से भी नियमों का पालन करवाया जा रहा है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमिंदर, कुल्लू क्योंकि पर्यटन स्थल है और ऐसे में कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है, अब नई पाबंदियां भी लागू हो चुकी है, जिला प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है? ये देखो, प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद बीते कल जो है डीसी कुल्लू ने भी आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि जो
कुल्लू में जो समय जो दुकानें खुलने का समय जो 10 से 1 बजे तक रखा है, हालांकि जो आज की बात करूं मैं, आज सुबह से भी लोग काफी जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले। बाजार हालांकि सुने रहे, कुछ एक लोग थे जो जिन्होंने जरूरी सामान खरीदना था वही केवल घर से बाहर निकल पाए, और जो दूसरे जो इलाके हैं अब या गाँव वाले इलाके वहां भी लोगों ने काफी जो घरों में रह के ही आज का दिन निकाला है। जी 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 मनमिंदर, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास, कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पाबंदियां भी लगाई जा रही, उसके बावजूद भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, शिमला भी इससे अछूता नहीं है। विकास, निश्चित रूप से देखिए, और राज्य में भी कोई खास हालात अच्छे नहीं है, हालांकि अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना जो है वो बड़े लंबे समय से कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों में हालात जो है वो ज्यादा खराब है, हिमाचल के कम खराब है, तो ऐसे में आज भी यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन हिमाचल जो है वो पहले से ज्यादा इस समय खतरे की जद में है, हर कोई इसकी जद में, कोरोना संक्रमण की जद में लगातार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था किस तरह की है, इस बाबत राज्य सरकार अपनी तैयारियां कर रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई अभाव ना हो, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जायजा लिया, मुख्यमंत्री को फोन करके उनसे बात की, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि इस तरह की कोई दिक्कतें राज्य में नहीं है, दवाइयों की पूरी उपलब्धता है, इसके अलावा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हालांकि कुछ सिलेंडर की बात जरूर की गई है, कहा गया कि अब जो खाली सिलेंडर है ऑक्सीजन के उनको केंद्र सरकार जो है तुरंत उपलब्ध कराए, ताकि अगर किसी तरह से कोई आपदा आती है या इस तरह से इमरजेंसी जो है वो बन जाती है हिमाचल में कि लोगों को ऑक्सीजन जो है वो देनी है और ज्यादा तादाद में देनी है, तो ऐसे में प्रबंध जो है वो पहले से ही किए जाने चाहिए, इसको लेकर समीक्षा बैठक जो है वो लगातार की जाती है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है लगातार फीडबैक ले रहे हैं और खुद ही नजर जो है अपने बनाए हुए हैं, हर जिला प्रशासन से, 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में और सभी जिला प्रशासनों से अपना संपर्क जो है वो साधे हुए हैं, और ऐसे में जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने के लिए कवायद लगातार जारी है। हिमाचल में जो मोर्टेलिटी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में अब जो मृत्यु दर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो यही है कि लोगों की लापरवाही सबसे बड़ी है, समय पर उपचार जो है वो अगर व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि कोविड अस्पतालों की जो बात कही कि राज्य सरकार ने, क्योंकि 5 बड़े मेकशिफ्ट अस्पताल जो है वो यहाँ पर बनने जिनको पूरी तरह से डेडिकेटेड ये बता दिया गया है कि अब कोविड। जी हाँ विकास, तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, सीएम जयराम ठाकुर भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। विकास और मनमिंदर अरोड़ा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप ग्राउंड पर अपनी नजर बना के रखिएगा।